तो चलिए हम लोग इस वीडियो में 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले अपने को एक्स का मान पता करना है ताकि एक गुणनखंड पता हो और उससे हम लोग और गुणनखंड निकालें, ठीक है। तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या था, हम लोग रख के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 0, 1 या फिर 2 नहीं होगा तो माइनस में 1, फिर माइनस में 2 या तो प्लस में रखेंगे, ठीक है। इतना पे आ जाएगा या फिर इतना पे आ जाता है ना, नहीं तो इसका और भी प्रोसेस है। अगर कोई क्वेश्चन में नहीं आता तो हम लोग बात करेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पे अपने को यहाँ पे सोचना है कि अगर 1 रखेंगे तो ये 1 रहेगा और 6 गुना ये 6 रहेगा और ये 4 और 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 और ये 6 है तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर लेकिन अगर 2 रखे तो ये 2 और पावर में 3 है तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 दुनी 12 हो जाएगा माइनस में, और 8 और 4 इधर जोड़ेंगे तो 12 है, 12 में से 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पी एक्स बराबर जो है इसको हम लोग मान लेंगे, ये एक बहुपद है तो इसको हम लोग पी एक्स के रूप में मानेंगे क्योंकि एक्स में बहुपद है। तो एक्स क्यूब और माइनस में 6x और प्लस में 4 है, ठीक है। ये माइनस में है और यहाँ पर एक्स बराबर 2 पर हम लोग देखेंगे तो p के जगह पे कितना रखना है, एक्स के जगह पे 2 रखना है। तो x के जगह पे 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे और माइनस 6 और x के जगह पे 2 रखेंगे और प्लस में 4, ठीक है। हमने पहले अच्छे तरीके से बता रखा है इसलिए यहाँ पे थोड़ा फास्टली हम लोग बनाएंगे ताकि वीडियो छोटा बने। और यहाँ पे जो भी अगर नया है तो वो जाकर प्लेलिस्ट को अच्छे से देख ले, शुरू से देख ले ताकि अच्छे समझ में आए। यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होगा और ये माइनस में 12 आएगा, 6 दुनी 12 और यहाँ पर प्लस में 4 है। 8 को जोड़ेंगे और 4 को जोड़ेंगे तो 8 प्लस में 4 प्लस में है तो 12 आएगा और ये माइनस में 12 पहले से था और बराबर में 0 आ जाता है। जब 0 आ जाता है x बराबर 2 पर 0 आता है तो इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, इधर कुछ नहीं तो 0 आएगा। अब ये जो हमारा है ये इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस 2 जो है इसका गुणनखंड है, अतः एक्स माइनस 2 जो है पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। तो अगर ये गुणनखंड है, ठीक है, तो इसमें भागा देंगे तो जो शेषफल आएगा 0 आएगा और जो उधर अपना बचेगा, जो इधर अपना बचेगा, ठीक है, ये होता है भाजक। इधर भागफल जो बचेगा वो भी गुणनखंड ही होगा, ये हमने पहले बताया था। तो पहले भाग विधि से देख लेते हैं और फिर जो सजाने वाला तरीका होता है एडजस्ट करने वाला उस विधि से भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले x माइनस 2 से पी एक्स में अर्थात एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 4 में भागा देंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है तो x में कितना से गुना होगा, एक्स स्क्वायर में होगा, तब ये एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस 2 में भी गुना होगा एक्स स्क्वायर से तो माइनस 2x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज होता है चूँकि घटाना है तो ये प्लस में तो ये माइनस और ये घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर ये सेम है कट जाएगा। अब दोनों अलग अलग पद है, ये प्लस वाला सबसे पहले उतारेंगे 2x स्क्वायर और ये अलग है, ये x वाला है तो यहाँ पे माइनस 6x और प्लस में 4 इसको उतारा। अब लाना कितना है, 2x स्क्वायर लाना है तो x में कितना से गुना करेंगे, चूँकि प्लस में लाना है तो प्लस में लगाएंगे और 2x स्क्वायर लाना है तो 2x से अगर गुना करेंगे x में तो 2x स्क्वायर आएगा और फिर इससे भी गुना होगा तो माइनस 2 और माइनस 2x तो 2 दुनी 4 माइनस में ये आएगा, 2 दुनी 4 और एक्स भी है तो 4x होगा। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा चूँकि सेम है, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा तो कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पे ये प्लस में 4x, ये माइनस में 6x है, दोनों का अंतर देखें तो 2x का है लेकिन माइनस में बचेगा चूँकि 6x बड़ा है और ये माइनस में तो माइनस में आएगा, 4x प्लस में था तो 4x में से 6x नहीं घटता लेकिन 6x में से 4x घटाएं तो 2x बचेगा और बड़ा वाला चिन्ह यहाँ पे आता है माइनस में तो ये माइनस में होगा, ठीक है। प्लस में 4 है तो 4। अब देखिए माइनस में 2x लाना है तो x में कितना से गुना होगा, माइनस 2 से अगर हम लोग गुना करेंगे x में तो माइनस 2x आएगा और ये माइनस 2 और माइनस 2 से भी गुना होगा तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 2 दुनी 4 होगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, घट जाएगा, ये भी घट जाएगा तो यहाँ पर 0 बचा। तो अपना जो बचा यानी इसका जो गुणनखंड है एक्स क्यूब माइनस 6x और प्लस 4 का, तो एक तो एक्स माइनस 2, ठीक है, और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2 है।
अब इस वाले पद को अपने को पता है क्या करना है, तो उसी फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे बीच वाला पद को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि ये दोनों में गुना करेंगे तो माइनस में टू एक्स स्क्वायर आएगा। तो बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटा के तो ये वापस से टू एक्स आए लेकिन गुना करने पर टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम लोग टू और एक में देखें एक्स इसको कर देते हैं, ठीक है, तो टू एक्स गुना एक्स टू एक्स स्क्वायर तो आएगा लेकिन अगर घटाएंगे जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। टू एक्स में से अगर एक्स को जोड़ेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा और घटाएंगे तो एक ही एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा और टू एक्स स्क्वायर ही लाना है माइनस में, दोनों सेम ही है यहाँ पर तो ये नहीं टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको हम लोग बीच वाला टर्म को तोड़ना चाहें तो ये टूटेगा ही नहीं, इसलिए आपका इतना ही आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर होगा x माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू। बाकी हम लोग एडजस्ट करने वाला अगर तरीका से बनाए इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं साइड में, ठीक है, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं, सिर्फ एडजस्ट करना है। अपना जो गुणनखंड है वो कितना है, x माइनस टू है, x माइनस टू आया है गुणनखंड, क्योंकि इस पर मान जो दो रखते थे बहुपद में रखने पर जीरो आता है, तो इसका मतलब x माइनस टू जो है गुणनखंड है। तो जो हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस में फोर है। अब x माइनस टू पर फोकस करना है, x और माइनस टू लाना है कॉमन करने पर, तो इधर x बचाना है तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन होगा, ये क्यूब है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x बचेगा, उधर माइनस टू अगर लाना है तो यहाँ पर माइनस टू भी होना चाहिए और x स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया था यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, ठीक है, दोनों गुना होगा एक्स क्यूब, तो इसमें एक्स बच जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो। लेकिन एक्स स्क्वायर जो कॉमन लेंगे दूसरा वाला दूसरे पद में माइनस में, इधर माइनस में लाना है टू, तो माइनस में टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए ताकि एक्स स्क्वायर कॉमन अगर ले ही लिया इधर तो सिर्फ माइनस टू बचे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा और अगर इधर देखें तो टू एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वो नहीं है, तो इसमें हम लोग टू एक्स स्क्वायर जोड़ भी देंगे ताकि इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका काम ख़त्म हो जाए, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, मतलब हमने कुछ नहीं किया, बट हमको एक्स माइनस टू लाना था इसलिए हमने ऐसा किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ एक्स ही रहना है, ठीक है, इधर इस साइड एक्स ही सिर्फ रहना है, तो टू एक्स स्क्वायर में से टू को हटाना पड़ेगा और साथ में एक एक्स को भी हटाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे सिर्फ एक्स बचे, यानी कि टू एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। तो और इधर टू बचाना है तो टू एक्स कॉमन लेंगे तो दो तो रहना ही चाहिए, इसमें चार होना चाहिए ताकि टू कॉमन लें तो टू रहे बस, और माइनस में होना चाहिए चार, ठीक है, और एक्स भी होना चाहिए ताकि हम लोग कॉमन जो लिए हैं वो टू एक्स कॉमन लिए हैं, तो टू कॉमन इसमें से ले लेंगे तो टू बचेगा और x भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x नहीं बचेगा सिर्फ 2 बचेगा और माइनस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा 4x, ठीक है, 4x रहेगा और यहाँ पे बचा हमारा, यहाँ पर जो बचा वो 4 बचा, ठीक है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस में 6x था लेकिन हमने 4x लिखा, तो यहाँ पर माइनस में 2x और लिखेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस 6x था हमने माइनस 4x लिखा, तो यहाँ पे माइनस 2x और लिखा ताकि ये माइनस 6 बैलेंस हो जाए, ठीक है, जोड़ेंगे तो फिर ये माइनस 6 आ जाएगा और बचा हमारे पास इधर फिर प्लस में 4, और हमने बताया था ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अब देखते हैं इधर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर इधर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स, ठीक है, और इधर माइनस में सिर्फ 2 बचेगा चूँकि हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। इधर देखिए प्लस में दोनों साइड में देखें तो 2 कॉमन है और x इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा चूँकि स्क्वायर था, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, x हमने एक ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, x नहीं बचेगा। यहाँ से देखिए इसमें इसमें तो सिर्फ 2 कॉमन है चूँकि 4 में भी 2 है इधर भी 2 है, माइनस में लिया तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस प्लस अगर करेंगे प्लस माइनस तो माइनस, और 2 जब 4 में से कॉमन लिया तो सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। अब हमारा x माइनस टू कॉमन लेंगे तो इस साइड बचेगा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 2, और ये बीच वाला नहीं टूटता इस ये, इसलिए यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो को कमेंट करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।